friend that night. Maybe that's why I felt so. तो देवी और सजनों, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है और साथ ही साथ मेरे व्लॉग में भी आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टार्ट हो चुका भाई एक नया दिन और नया व्लॉग, और आज हम चल रहे हैं चांदनी चौक। जी हाँ, मैं सदर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि खाली सदर नहीं जाना मेरे को, और एक दो मार्केट में और भी जाना है, तो इसलिए हम चल रहे हैं चांदनी चौक। तो आज कराता हूँ आपको दिल्ली मेट्रो की सैर। तो सबसे पहले करते हैं हम अपने कार्ड का बैलेंस चेक, इसमें है 2 रुपये, तो फटाफट करते रिचार्ज। तो भाई हिंदी आती है थोड़ी सी कम, इसलिए कर लेते लैंग्वेज इंग्लिश। रिचार्ज यहाँ पे डाल दिया हमने अपना कार्ड, और इसीलिए भाई मैं खुले पैसे लेके आया था। अरे 500 का निकल गया दोस्तों, ये हो जाती है अभी गलत बात। तो फटाफट से निकालता हूँ 100 रुपये का नोट, ये निकाल लिया हमने, 100 रुपये का ही कर लेते हैं क्योंकि आने जाने में बहुत रहेगा, क्योंकि भाई कार्ड गुम हो जाते हैं। तो भाई कैश, तो पैसे जा चुके हैं और 2 मिनट लगी, पर्ची हमें नहीं चाहिए। तो रिचार्ज हो गया डन। एक बार चेक कर लेते इसका बैलेंस भी, तो 102 रुपये। तो उधर से भाई हमने भी करा ली अपनी चेकिंग, साथ में सामान की भी होगी चेकिंग और एंट्री भी हो चुकी है। अब जाके नीचे प्लेटफॉर्म से पकड़ते हैं मेट्रो, और मेट्रो की आवाज़ आ चुकी है, मेट्रो पहुँच। रास्ता है काफ़ी लंबा, इसलिए भाई एक बार हो जाता हूँ वॉशरूम भी। सफाई भी है प्रॉपर, बस शीशे है थोड़े से गंदे। तो दोस्तों आ गया हूँ वॉशरूम से बाहर, और उधर थी सेंसर वाली लाइट, जैसे कोई अंदर जाएगा तो अपने आप जल जाएगी, लेकिन भाई वो पहले ही जल चुकी थी और बाहर निकला तब तक बंद ही नहीं हुई थी, तो क्या दिखा था मेट्रो निकल जाती। गाड़ी ने इशारा कर दिया 12 बजे की तरफ, और अपनी मेट्रो आने वाली है 1 मिनट में। दोस्तों आ चुकी है मेट्रो, और हम आ चुके हैं मेट्रो के अंदर। तो दोस्तों नजफगढ़ से चढ़ा था भाई मैं डासा बस स्टैंड से, यहाँ से आया मैं इधर द्वारका से, मैंने चेंज करी, और भाई ये काफ़ी चेंजिंग बीच में छोड़ते हुए अभी पहुँच गया हूँ मैं राजीव चौक बार। भाई पीछे दूसरी मेट्रो जा रही है, तो यहाँ से भाई मेरे को बस 2 स्टेशन जाना है बारखंबा, और यहाँ से मैं चेंज करूँगा मंडी हाउस से कश्मीर गेट वाली साइड। तो इससे जो अपना नेक्स्ट स्टॉप है वही है लाल किले पर उतरना है बस, अपने नेक्स्ट नहीं है, मतलब 2 स्टेशन है बीच में। तो वहाँ से उतर के वहाँ पर आ जाएगा लाल किले से जाऊँगा, और अंदर 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 होके वहाँ से अपना सदर, और सदर से अंदर अंदर सीधा आर के आश्रम। तो यहाँ से ऐसे निकल आऊँगा आज के टाइम, यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा। और दोस्तों ये देखो भाई दिल्ली मेट्रो की खूबी, ये जो है इस जगह पर खड़े होने में बहुत मज़ा आता है, ये हिलते हुए जाती है तो फिर भाई बिल्कुल मसाज हो जाती है, और कमर में दर्द होता है तो इधर बैठ जाओ, बिल्कुल पहुँचोगे 4-5 स्टेशन बाद भी बिल्कुल आराम। तो दोस्तों मेरे से बताने में हो गई थी थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे 2 नहीं 3 स्टेशन है, यहाँ से चढ़ा था मैं और यहाँ उतरना है, और यहाँ पे है भाई दिल्ली गेट, एक अपने नजफगढ़ में भी है दिल्ली गेट, एक ये है मेन दिल्ली गेट। तो यहाँ उतरते हैं, और भाई आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में लाल किला क्यों है, रेड फोर्ट क्यों नहीं है? तो भाई रेड फोर्ट खाली कॉपी किताबों में ही होता है, वैसे लाल किला ही है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पहले उतरता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस मेट्रो से मैंने कर लिया भाई एग्जिट, और भाई 1:45 हो गई है लगा लो, 1:45 नहीं हुई, 1-2 मिनट बची है बस। भाई 12 बजे बैठा था मेट्रो में, 1:45 घंटे लग गए मेरे को। अभी ऊपर जाके फटाफट पहले कुछ खाता हूँ, क्योंकि भाई भूख लग रही है काफ़ी प्योर से, घर से कुछ खा के नहीं आया था वरना लेट हो जाता। तो भाई पहले कुछ खाने का देखते हैं, उसके बाद चलेंगे मार्केट में, और आपको लाल किला दिखाऊँ तो बिल्कुल सामने ही है, यहाँ से पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे को दिख रहा है, लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, इसलिए चलते थोड़ी सी आगे। और भाई वो रही दीवार सामने बिल्कुल, थोड़ा सा आगे निकलता हूँ, और ये सामने रहा भाई अपना गौरी शंकर मंदिर और लाल जैन मंदिर, और वो झूला लगा हुआ भाई बढ़िया, टाइम नहीं है लेकिन झूलने का। और भाई वो रहा अपना लाल किला सामने, तो लाल किला दिखाऊँगा आपको फिर किसी दिन, क्योंकि आज थोड़ी सी हमारे पास टाइम की कमी। यहाँ पे मैंने ले लिए है छोले चावल, और अभी ढूंढ रहा हूँ कोई बैठ के खाने की बढ़िया सी जगह, मैंने खा लिया, ये आया हूँ फेंकड़े, और भाई यहाँ पे चल रही है रिसाइकलिंग तुरंत आ। तो इधर भाई सारे चल रही है मैच गन की टेस्टिंग, और भाई ये बड़ी बड़ी भरी भरी रिक्शा, ये इधर है भाई फ्रूट्स, अभी खाने का मन है नहीं, मैंने ले लिया कोल्ड ड्रिंक, और ले लेता हूँ कुछ खाने का, इसके साथ खा लूँगा फिर चले गए शॉपिंग करने।
ले लेनी भाई नूडल और कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिल रही क्योंकि मार्केट भरे है अब। और भाई ये बोल रहा है बीच बीच में मेरी आवाज़ सुनने नहीं देगा और उधर चल रहा है स्पीकर तो खाता हूँ। और टाइम हो गया है 2 बज गए भाई। तो गाइस बोलते हैं ना पहले पेट पूजा उसके बाद फिर काम दूजा, तो भाई पेट पूजा भी हो गई और काम दूजा नहीं पहले ही करने वाले हैं। सबसे पहली शॉपिंग भाई जो हम करने वाले हैं वो भाई हमारे आर्म्स एंड एमुनेशन के राउंड लेने भाई हमने, तो एक ही दुकान है भाई इधर पूरे में, तो उधर फटाफट चलते हैं और आपको साथ में दिखाता हूँ क्या क्या वैरायटी है उनके पास। और साथ में भाई आपको गन भी काफ़ी टाइप की मिल जाएगी उधर, असली नकली और भाई शॉट गन वाली राइफल रिवाल्वर जितनी भी होती है हर टाइप की मिल जाएगी। तो आगे है दुकान, 4-5 दुकान और आगे है, तो फटाफट से चलते हैं खुली मिले बस क्योंकि एक ही दुकान है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी पहली दुकान पे और भाई वीडियो हिल रही है या मेरे को ये लग रहा है वैसे ही हो गया था। और भाई हमने लेने हैं अपने राउंड और भाई बिल्कुल सामने हमारी दुकान पूरे मार्केट की इकलौती दुकान और इनका काफ़ी सारी चीज़ है तो दिखाते हैं आपको। ये है इनके पास सारी, तो ये चीज़ है भाई और ये निशाने लगाने का भी 250 रुपये का है ये। और ये रखी अपने नीचे एयर पिस्टल, अंकल जी निकाल रहे सामान अंदर से, भाई ले आया भाई ले ली भाई। एक इससे छोटी वाली आती है वो भी भाई निकाल रहा है अभी ले लेते हैं बस अभी कर देते हैं पेमेंट और चलते हैं। और भाई इधर रखे हैं प्लेट अलग अलग टाइप के 0.177 से स्टार्ट है और मोटे भी है। हाथों के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है, इनके लिए नहीं होता। तो एक ये है, एक ये वाली निकलवा रहे हैं, एक ये है यही वाली सेम निकलवाई है बस कलर चेंज है। तो भैया है अपनी 3,500 की भाई, ये लगा लो दिल्ली पुलिस की बंदूक और ये लगा लो भाई अब यूपी पुलिस की बंदूक जर लगी हुई। तो दोस्तों ये ले रहा था सबसे आसान काम, अभी सबसे मुश्किल काम है इनको मेट्रो में से पार करवा के लेके जाना। लेकिन भाई पहले भी 2-3 बार ले गया हूँ, पिछली बार मैच गन में फंस गया था लेकिन भाई ये तो ले ही जाऊँगा, पहले भी काफ़ी बार लेके गया हूँ तो अब भी लेके निकल जाऊँगा कोई दिक्कत। दोस्तों वो है भाई सामने बिल्कुल लाल किला, उसके बाद है लाल जैन मंदिर, फिर है गौरी शंकर मंदिर और भाई ये आ गया शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। मेरे को जाना है बिल्कुल सामने, उधर है पारा टूटी चौक, रिक्शा भी मिल सकती है लेकिन भाई बैग बिल्कुल खाली है तो पैदल पैदल चल पड़ते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, जो खाना खाया है वो हजम हो जाएगा तो इसलिए चलता हूँ। लाइट लेनी थी मेरे को, यहाँ पे भी है लाइट की मार्केट लेकिन यहाँ पे और उधर में रेट है सेम, तो क्यों वजन लेके घूमना, तो उधर ही ले लूँगा। और गाइस चलते चलते मैं आ गया हूँ आधे रास्ते लगभग इस वाले रोड के आधे रास्ते, बाकी जितना ये है इतना ही दूसरी तरफ है। तो भाई फ़ोन में हो रही है बैटरी लो, तो चलते चलते मैं पावर बैंक लाया हूँ साथ में तो चार्ज भी कर लेता हूँ। तो भाई मैं वो रोड पूरा पार करके ये दूसरा रोड है आधा पार कर लिया, ये पूरा ड्राई फ्रूट का भाई, यहाँ पर खुले भी ड्राई फ्रूट मिलते हैं और दुकानों पर भी मिलते हैं। इस पर है अचार, बाकी सारे ड्राई फ्रूट की दुकान है और इधर भी भाई सारी की सारी रेडी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारी ड्राई फ्रूट की है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं अगर आपको गिफ्ट वगैरह देने हैं तो। और लास्ट तक भाई ये पूरा ही रोड ये लगा लो कम से कम 700-800 मीटर का रोड है, पूरे पे आपको बस ड्राई फ्रूट मिलेंगे और भाई ये थोड़ी बहुत दाल वगैरह। तो गाइस ये पूरा रोड ड्राई फ्रूट वाला भी पार कर लिया, तो पहले था अपना गुरुद्वारे वाला रोड, उसके बाद ये था ड्राई फ्रूट वाला रोड। अभी यहाँ से वहाँ तक पूरे पे भाई कैंडल ही मिलती है और थोड़े बहुत टेडी बियर। ये रोड है जैसे ये ख़त्म होएगा ना 500-700 मीटर का, उसके बाद चालू हो जाएगा भाई अपना सदर, तो इस पे है बहुत ज़्यादा भीड़, तो आपको सदर में मिलूँगा सीधा। तो वो ख़त्म होगी मोमबत्ती वाली मार्केट, यहाँ से है सदर की एंट्री, तो भाई भीड़ हो रही है काफ़ी तो अंदर घुसता हूँ। आज है सही भीड़, पिछली बार नहीं थी भीड़, अब लग रहा है भाई दिवाली है, पहले तो नाम ही निशान नहीं था दिवाली का। तो भाई चलता हूँ और जो सामान लूँगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब देखो भाई आप कितनी पब्लिक आई है शॉपिंग करने, पूरे रोड पे पैर रखने की भी जगह नहीं है और सामान लेकर निकलना, तो उधर से मैं पार करते करते आ गया यहाँ तक, एक बार रेट पूछ लिया अभी वापस चला जाऊँगा, जिसका सबसे सही लगेगा उस पर ले लूँगा भाई। देखो बाकी भीड़ का तोड़ा हो रहा है भाई। तो भाई फाइनली बहुत देर बाद सारी रिटेल की दुकान थी एक मिली होलसेल की दुकान, ये रही भाई ये वैरायटी है, ज़्यादा नहीं ले रहा मैं अपना सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, अभी ये 2-3 रिटेल का कस्टमर इनको कर देगा भाई फ्री, उसके बाद जाके ले लूँगा। दे दे अगर दो देता हूँ नहीं भैया बोल दिया 200 रुपये
बस यही है। तो दोस्तों ये देखिए भाई नई चीज़ शेडो लैम्प, ये बताना लेने है या नहीं लेने, दिवाली के बाद ले आऊँगा। ऊपर लाइट जलती है, रात में बढ़िया जलेगा भाई, बहुत सारे कोने हैं इसमें। तो इस पे से ले लिया भाई हमने लगभग 3000 का सामान, 2980 बाकी। और किसी को समझ आ रहा हो ये क्या है तो बताना भाई, नई चीज़ देखिए कुछ, ये है साड़ी कवर और इस पे से लिया हमने सामान। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, जो ज़रूरी ज़रूरी सामान था वो तो सारा ले लिया, अभी लेना भाई फालतू फंड का, कुछ मिला और टाइम बचा तो ले लेंगे, नहीं तो भाई अपने घर पे चल पड़ेंगे। और भाई इधर फ़ोन पकड़ना खतरे से खाली नहीं है, आप देख लो, दो मिनट में फ़ोन के चक्कर में मेरा सिर फट जाएगा भाई। तो चलते हैं, बाकी रौनक पूरी है, अंदर की गली में हूँ मैं, क्योंकि बाहर जो है वो होती है रिटेल की, अंदर होती है अपनी होल सेल की, बाहर तो रेड ही ज़्यादा होती है, दुकान ना के बराबर होती है। बाकी भाई ये इधर गलोगन है, पर ले ली ना तो मेरे को मेट्रो में चढ़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो दोस्तों टाइम हुआ भाई 6:45, अभी पूरा नहीं हुआ है, 5:43 हुए हैं, और बाहर मौसम देखो आप, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये लगा लो भाई ठंड के दिन तो ठंड तो कम आई है, लेकिन भाई अंधेरा ज़रूर टाइम पे होने लग गया अपने। तो ऐसा कुछ है भाई नज़ारा, भीड़ है, हम गेट के बिल्कुल पास ही है, क्योंकि यहीं पे है अपनी गली जिसमें से मैं लेके आया हूँ। बाकी ये जो रोड है ये है पूरा सदर, ये है इधर रुई मंडी, और इसके पीछे है पान मंडी। तो ऐसा कुछ है, ये है इधर सेलो टेप वगैरह, पर मेरे पास जगह नहीं है। इधर ये कुर्सी गली में तो सामान लिया था, होटेयर बलून, उसमें चलता हूँ, उसमें से थोड़ा सा सामान लेना मेरे को। और दोस्तों बैग को भाई बच्चे की तरह बहुत दिमाग टांग के मैं आ गया हूँ भाई वापस उसी तरफ जहाँ पे पहले आया था, यहाँ से मैंने रंगोली के कलर लिए थे, गली में से तो दूसरे में आना था, गलती से इसमें घुस गया भाई। तो अभी चलता हूँ वापस इसमें, और मेरे को लेने हैं ये लेने हैं घर के लिए, तो देखता हूँ भाई अगर ज़्यादा ले लिए तो बेचने के लिए भी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ है भाई डिजाइन, इतने डिजाइन है, और इस दुकान पे से लिए थे पिछली बार, याद हो तो आपको। ले लिया भाई जैसे कलर चाहिए था वैसे तो मिले नहीं, दो रेड मिले हैं, दो वाइट, दो पिंक। तो ये हो गया अपना बैग रेडी, ऑलमोस्ट भर गया है, और अपने पास पैसे बचे नहीं है, और भाई वजन भी काफ़ी हो गया है, तो आज आराम से जाऊंगा। पिछली बार दो जोड़े हो गए थे हाथ में, तो परेशान हो गया था पिछली बार, लेकिन मोटा मोटा सारा सामान ले गया था मैं, और वजन वाला भी ले गया था रंगोली का। तो अब की बार अपना बेस रिक्शा में दिखा, जाम लगा है तो आधे रास्ते उतर के और पैदल भाग जाऊंगा मेट्रो स्टेशन तक। और वही इधर आ गया मुशी दुकान पे, देखते हैं भाई ये पहचानते हैं नहीं पहचानते। हाँ भाई लड़के पहचाना, भाई साहब पहचाना। और सुना दे, तो पहचान लिया भाई सारा ने, उसने भी पहचान लिया, जो बैठा भाई अंदर अरे चले पहचान लिए। इधर वाला भाई वो भाग गया, कहाँ भाग गया ये। भाई साहब आप हमारे इधर सब्सक्राइबर करवाने वाले थे, करवा दिया मैं, कितना सब्सक्राइब करवा दिया रूम पे जाके। ठीक है भाई, हमने गिने नहीं कौन सा किसने करवाया, पर भाई ने करवाए होंगे, क्योंकि अपने जब से अब तक ये लगा लो 60-70 बढ़ चुके हैं। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, भाई पे हमने कुछ नहीं लिया आज, क्योंकि भाई पैसे हो गए थे ख़त्म, पर भाई ने पहचान लिया, वो अच्छी बात है भाई। चलो अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों 6 बज गए, कुछ मिनट हुई है, 10-1 मिनट हो गया, अंधेरा देखो आप, और भाई दुनिया निकल रही है, मैं भी निकल गया हूँ, और भाई लोग जा भी रहे हैं इस टाइम भी, भाई जा रहे हैं तो ये निकलेंगे कबूतर भी देखो जा ही रहे हैं, सामान वाले तो समझ में आते हैं, शॉपिंग करने वाले देखो इतने लोग जा रहे हैं भाई, पता ही नहीं करे कभी पहुँचेगा। और सामने भाई पीपी ज्वेलर, फ़ोन हैंग होने लग गया थोड़ा सा। तो भाई हमने ढूंढ ली भाई मेट्रो तक की रिक्शा खाली 20 रुपये में, तो अभी फटाफट पहुँचते, आज ज़्यादा शूट करा नहीं मैंने, फालतू में स्टोरेज बढ़ने का क्या ही फ़ायदा भाई, फ़ोन बार हीट भी हो जाता है, हीट की भी देखी जाए ठंड का मौसम आ रहा है, लेकिन स्टोरेज बढ़ जाती है, और मैं भी सामान लेने में परेशान होता। आज मैंने सारा ध्यान भाई सामान लेने पे दिया है, शूटिंग पे कम दिया है, तो अभी जाम तो आपको क्या ही दिखाना, तो आपको सीधा मिलता हूँ मेट्रो पे पहुँच के, मेरे को 15-20 मिनट कम से कम लग जाएगी, लग जाएगा पता आधा पौना घंटा भी। तो गाइस उस दिन से तो कम जाम है भाई, थोड़ा खुला हुआ है आज, और मेरा सासरा लग जाए इसलिए भाई टच वुड करने के लिए यहाँ पर लकड़ी भी नहीं है, और बैग था भाई वो बार बार कोई टक्कर मार के जा रहा था, मैं आगे बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और जगह भी आगे मिली, तो बैग रख दिया मैंने पीछे सवारियों के पास, बैग में ऐसा कुछ है नहीं महंगी आइटम। तो अभी फटाफट से पहुँच जाते हैं मेट्रो पे, उम्मीद है कि भाई 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो इधर चल रही है मेट्रो की कंस्ट्रक्शन, और इसी वजह से लगा हुआ जाम, जो पहले एक रोड खाली जाने जाने का था, अब उसी पे से आ भी रही है और जा भी रही है।
पिछली बार जब आया तो भाई रिक्शा वाला अंदर अंदर से ले गया था, फिर भी जाम था। अब की बार इतना जाम नहीं है। बिल्कुल सामने है मेट्रो स्टेशन, ये लगा लो 100 मीटर होगा। बाकी धीरे धीरे चल रहे, और भाई इनकी लाइट ज़बरदस्त है मेट्रो वालों की, पूरा रात में भी चांदना कर रखा। देखो वो सामने खाली लाइट लाइट हो गए, रोशनी है पूरे रोड पे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और बढ़िया एकदम लाइट हो रही है। तो फाइनली दिख चुका भाई मेट्रो स्टेशन। लाइन तो दिख रही थी काफ़ी देर से, पर उसके बाद में 3 बार रुक गया। तो अभी इधर से घूम के जाएगा और वापस उस साइड से जाती है, इधर से एग्जिट नहीं है इनका। यहाँ से आया हूँ मैं ऊपर, और भाई एंट्री के लिए लगी हुई है इतनी लंबी लाइन वहाँ से आके यहाँ तक। तो भाई लगते हैं लाइन में, पता ही नहीं कौन सी लेडीज की है, कौन सी जेंट्स की है, कौन से सामान वाली है, कौन सी नहीं, इतनी भीड़ है। और दोस्तों सिकंदर में से आ चुका भाई बैग बाहर, तो मिशन सक्सेसफुल, अपनी गोली हो चुकी है इसमें से पार सिक्योरिटी चेक में से, तो अच्छी बात है। भाई आ गया हूँ मेट्रो में, और जैसा मैंने आपको बताया था भाई कमर में दर्द हो तो इस पर बैठ जाओ, और बैग भी था, सीट कोई खाली मिली नहीं, तो मैं बैठ गया इस पर। घर तक कमर का दर्द बिल्कुल ठीक, और भाई टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा ही, 7:20 हो चुकी है, और अभी मेट्रो पकड़ी है मैंने, 2 स्टेशन गए हैं। मुश्किल से सीट देख रहा था कि आगे आते आते मिल जाए कोई, तो मिला नहीं भाई, लेडीज़ कोच तक पहुँच गया, तो अभी भाई पीछे कोई सीट है ही नहीं। तो भाई मैं ये सोच रहा था कि भाई अब की बार गोली पार होगी, इनको पता क्यों नहीं चला। तो भाई इनको लग गया धोखा, अभी याद आया मेरे को, साथ में भाई मैं ले आया था मूँगफली की, रस्ते में से ले ली थी, मैंने वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई क्योंकि उधर था दे रहा है भाई, ड्राइवर ने लाइट बंद कर दी मेट्रो के, तो कोई बात नहीं, इतनी लाइट तो है खैर। तो अभी भाई बैठे बैठे ये खा लेता हूँ जब तक रास्ते में, और बोर होगा क्या ही करूँ। चलिए आ गया हूँ मेट्रो चेंज करने, सारी चीज़ बैग रख दिया साइड में, तो और कुछ ऐसा बचा नहीं है दिखाने के लिए, अगर वो चुमा दे रहा हो जाएगा तो आज के ब्लॉग में रखते हैं इतना ही, मिलूँगा आपको कल सुबह 9 बजे एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने नहीं कर रखा, और साथ में कमेंट्स भी करना। गुड नाइट। You say you only wanna be best friends. I just wanna be a damn girlfriend. What I gotta